हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में मैं एक्चुअली आपको ब्रेसनहैम एल्गोरिथम, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, वो बताऊंगी, और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ताकि बेसिक की कैसे वर्क करता है ब्रेसनहैम, या फिर अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आए तो आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इस एल्गोरिथम को, वो आपको समझ आ जाए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कंप्लीट डेरिवेशन आपको कराई थी ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के लिए। इस एल्गोरिथम को समझने के लिए और यहाँ पे जो जो स्टेप्स हैं और जो जो वेरिएबल्स हैं, स्पेशली पी के क्या है या 2 डेल्टा y डेल्टा x, और ये क्या सिग्निफिकेंस है इन सब का, इन सब को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है। वो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करेगा कि एक्चुअली ब्रेसनहैम लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम होता क्या है। ओके, सो अगर इन केस आपने मिस कर दिया है प्रीवियस लेक्चर, तो आई वुड एडवाइज कि एक बार बेसिक्स को जान लीजिए, ताकि ये लेक्चर समझ में अच्छी तरह आए और न्यूमेरिकल्स आप जब सॉल्व करें तो आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट। ओके, ऑल राइट, सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको फटाफट बताती हूँ। थ्योरी या लॉजिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था। तो जब भी आपको, आपके पास कोई भी एंड पॉइंट्स गिवन है लाइन के, और आपको प्लॉट करनी है लाइन कंप्यूटर स्क्रीन पे यूजिंग ब्रेसनहैम एल्गोरिथम, तो आप हर आइट्रेशन में कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, और उस आइट्रेशन में P की वैल्यू पे डिपेंड करता है, या फिर अगर बहुत और क्लियरली मैं बोलूं, P के साइन पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट आइट्रेशन में P की क्या वैल्यू होगी और कौन सा पॉइंट प्लॉट होगा। सो सबसे पहले अगर आपके पास एंड पॉइंट्स गिवन है x1 y1, एक एंड पॉइंट है लाइन का और दूसरा एंड पॉइंट है x2 y2, तो आपको डेल्टा x डेल्टा y 2 डेल्टा y और 2 डेल y माइनस 2 डेल x कंप्यूट करना है। सो डेल एक्स क्या है या डेल्टा एक्स क्या है, इट इज मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1। सो ये चीज बहुत जरूरी है, ये मॉडुलस वाला स्टेटमेंट। लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में जरूरी नहीं है, या फिर जैसे हर लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप डेल एक्स निकालें या डेल वाई निकालें तो उन दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस ले, लेकिन ब्रेसनहैम हमेशा मॉडुलस लेके ही डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू को कंप्यूट करता है और फिर बाकी की कॉम्प्यूटेशंस करता है। और अगर आप यहाँ पे ये स्टेप मिस कर देते हैं, मॉडुलस नहीं लेते और यहाँ पे साइन यूज करते हैं, सपोज x2 माइनस x1 नेगेटिव आता है और आप वो नेगेटिव वैल्यू ही लेके आगे के स्टेप्स में यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है, गलत पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है आपको। सो सबसे पहला काम डेल एक्स डेल वाई 2 डेल वाई और 2 डेल वाई माइनस डेल एक्स कैलकुलेट करना है। 2 डेल वाई और ये 2 डेल वाई माइनस 2 डेल एक्स हर आइट्रेशन में यूज होता है, इसीलिए हम आइट्रेशंस को स्टार्ट करने से पहले ही ये वैल्यू कंप्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आइट्रेशन पे डिपेंडेंट तो है नहीं। सो एक बार आपने कंप्यूट कर लिया तो आप डायरेक्टली हर आइट्रेशन में ये वैल्यूज यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड स्टेप आपका आता है कि इनिशियल पी की वैल्यू को कंप्यूट करना। पी का लॉजिक क्या है या पी क्या है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। इनिशियल पी की वैल्यू क्या होती है, 2 डेल वाई माइनस डेल एक्स। सी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे था 2 डेल वाई माइनस 2 डेल एक्स और यहाँ पे है 2 डेल वाई माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, सो ये आपने जब इनिशियल पी की वैल्यू निकाली, उसके बाद आपकी आइट्रेशंस स्टार्ट होंगी। आपको कितनी आइट्रेशंस करनी है, डेल्टा एक्स नंबर ऑफ आइट्रेशंस करनी है, और आपकी आइट्रेशंस स्टार्ट होंगी 0 से और जाएंगी डेल्टा एक्स माइनस 1 तक। ठीक है, सो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू आई है 8, तो आपकी आइट्रेशन स्टार्ट होंगी 0th आइट्रेशन से लेके 7th आइट्रेशन तक जाएंगी, विच कम्स आउट टू बी 8 आइट्रेशन। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रेंट कि आपकी पहली आइट्रेशन नंबर है 0। ओके, सो अगर इनिशियल या फर्स्ट आइट्रेशन में जो पी की वैल्यू आई है वो ये है और उस वैल्यू का कुछ साइन है, तो उस साइन के बेसिस पे आप जो पॉइंट प्लॉट करना है वो डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले आपको इनिशियल पॉइंट प्लॉट करना है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्ट पॉइंट आपको दिया हुआ होगा, दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। स्टार्ट
पॉइंट आपको प्लॉट करना है, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट को आपको एक बार आपने प्लॉट कर दिया, उसके बाद आप आइट्रेशंस अपनी शुरू करेंगे। पहली आइट्रेशन में जो आपने इनिशियल पी नॉट कैलकुलेट करा है, वो देखेंगे कि उसका साइन अगर नेगेटिव है, यानी पी नॉट की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो आप पिक्सल प्लॉट करेंगे प्रीवियस पिक्सल, मतलब एक्स प्रीवियस पिक्सल का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वन कॉमा, और प्रीवियस पिक्सल का सेम वाई कोऑर्डिनेट। मतलब हर आइट्रेशन में पिछले वाले एक्स की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होगी ही, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, क्योंकि हर बार हम एक्स को प्लस वन कर ही रहे हैं, सो एक्स में तो सेम ही चेंज आएगा, यूनिट इंक्रीमेंट होगा। दोनों केसेस में ये फर्क है कि वाई इंक्रीमेंट होगा या नहीं। सो आपने एक बार इनिशियल पॉइंट प्लॉट कर दिया, फिर आपने चेक किया कि इनिशियल पी की वैल्यू क्या है। अगर इनिशियल पी की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो इनिशियल पॉइंट में एक्स में वन इंक्रीमेंट करने से मिलेगा, और वाई की प्रीवियस वैल्यू ही रहेगी, यानी जो इनिशियल पॉइंट में वाई की वैल्यू थी वही रहेगी, प्रीवियस वैल्यू रिटेन होगी, ठीक है। और आपको नेक्स्ट पी कैसे कंप्यूट करना है, जो प्रीवियस पी था उसमें ऐड करना है 2 डेल वाई, ये वैल्यू हमने यहाँ पे कंप्यूट करी थी, ठीक है। तो ये एक केस हो गया जब पी की वैल्यू लेस देन जीरो आई है। अब पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो आती है, तो आपको एक डिफरेंट पॉइंट प्लॉट करना है। इसमें भी एक्स का कोऑर्डिनेट प्लस वन होगा, यूनिट इंक्रीमेंट किया जाएगा, और वाई का कोऑर्डिनेट भी यूनिट इंक्रीमेंट किया जाएगा, और इसमें नेक्स्ट पी की वैल्यू आप कंप्यूट करेंगे प्रीवियस पी में ये पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करने से। और ये वैल्यू हमने इनिशियली एल्गोरिथम के बिल्कुल स्टार्टिंग में कंप्यूट करी थी, और इस थर्ड नंबर स्टेप को आप डेल्टा एक्स टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है। सो हो सकता है आपको ये एल्गोरिथम कैसे एक्चुअली परफॉर्म करना है वो इतना क्लियर या क्रिस्टल क्लियर अभी ना हुआ हो, सो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ और उससे आपको समझा देती हूँ। सपोज मेरे एग्जाम्पल में, या फिर जो मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें मुझे एंड पॉइंट्स गिवन है 5.5 और 13.9 से, ठीक है। सो ये मेरा स्टार्ट और एंड पॉइंट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे x1 और x2 लिखा, दिस इज x1, ये हो जाएगा मेरा x2, और कॉरेस्पॉन्डिंगली y के लिए भी y1 हो जाएगा 5 और 9 हो जाएगा y2, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डेल्टा x कंप्यूट किया। डेल्टा x यानी मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस x2 विच इज 13 में से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया जो कि x1 है, इसका मॉडुलस आएगा 8, और मॉडुलस ऑफ 8 इज सेम एज 8, ठीक है। अब मैंने डेल्टा वाई कंप्यूट किया, डेल्टा वाई में भी मुझे मॉडुलस लेना है। यहाँ पे y2 इज 9, y1 इज 5, सो 9 माइनस 5 इज 4, जिसका मॉडुलस भी 4 आएगा, ठीक है। ऑल्सो मुझे 2 डेल वाई चाहिए, तो 4 इंटू 2 वुड बी 8, और यहाँ पे 2 डेल वाई माइनस 2 डेल एक्स चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 डेल वाई की वैल्यू है 8, डेल एक्स की वैल्यू है 8, तो 2 डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 16, सो 8 माइनस 16 यानी माइनस 8 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो आपको अगर आपका पी की वैल्यू लेस देन 0 है, तो प्रीवियस पी में आपको 8 इंक्रीमेंट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अदरवाइज प्रीवियस पी में आपको माइनस 8 इंक्रीमेंट करना है, या फिर 8 डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी कितनी आइट्रेशन होंगी, टोटल 8 आइट्रेशंस होंगी। अब अपनी पहली आइट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एंड पॉइंट, सॉरी जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो प्लॉट करना है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे आपका पॉइंट जो है 5.5, ठीक है। ये पॉइंट प्लॉट हो गया, तो इसके बाद आप k इक्वल टू जीरो यानी पहले आइट्रेशन में अपना p नॉट कैलकुलेट करेंगे, या फिर इस आइट्रेशन से पहले ही p नॉट अगर मैंने कैलकुलेट किया, सो p नॉट की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 डेल्टा y, 2 डेल्टा y है 8 माइनस डेल्टा x की वैल्यू है 8,
सो 8 माइनस 8 जीरो वैल्यू आती है. सो क्योंकि ये जीरो वैल्यू आई है मतलब else कंडीशन में जाएगी, यहाँ पे आपको स्टक नहीं होना है. अगर लेस देन जीरो है वैल्यू तो फर्स्ट केस, या फिर अगर इक्वल टू या ग्रेटर देन जीरो है वैल्यू तो सेकंड केस. ठीक है, सो यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है, एक्स ऑफ के प्लस वन. अब यहाँ पे के क्या है, जीरो है. सो एक्स जीरो क्या था, ये था एक्स जीरो. प्रीवियस पॉइंट जो प्लॉट करा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 5, तो अब मेरा कौन सा पॉइंट प्लॉट होगा, 6, y ऑफ k प्लस 1. y ऑफ k क्या था, y ऑफ 0 था 5, अगेन इसमें प्लस 1 करूंगी तो 6, 6. अब इसी आइट्रेशन में मैं नेक्स्ट p की वैल्यू कंप्यूट करूंगी, यानी p ऑफ k प्लस 1. p ऑफ k प्लस 1 मुझे मिलेगा पुराने p से, यानी p नॉट से, p जीरो भी आप इसे कह सकते हैं, इसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करने से. और ये पर्टिकुलर वैल्यू हमने यहाँ कंप्यूट करी थी जो कि है -8. सो पी नॉट आपकी क्या वैल्यू थी, ये थी 0. 0 माइनस 8 विल गिव यू -8. ठीक है, सो अब ये वैल्यू नेगेटिव आई है. सो के इक्वल टू 1 के केस में, यानी जो आपकी सेकेंड आइटरेशन बनती है उसमें आपकी पी की वैल्यू नेगेटिव आई है. यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई है तो मतलब आप कौन सा पॉइंट प्लॉट करेंगे, आप पॉइंट प्लॉट करेंगे प्रीवियस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7, कॉमा, और प्रीवियस वाई को रिटेन करेंगे. प्रीवियस पॉइंट का क्या वाई है, 6, तो यहाँ पे मैंने उसी वैल्यू को रिटेन करा है. ठीक है, अब इसी फिनोमिना को यूज करते हुए जो हमने पिछली आइट्रेशन में करा, नेक्स्ट पी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, पी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये पहले केस में लाइक करता है, मतलब के इक्वल टू 1 है, आइट्रेशन का जो पी 1 आया था वो नेगेटिव था, तो नेक्स्ट पी कंप्यूट होगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से. सो पी टू इक्वल टू पी 1 प्लस 2 डेल्टा वाई. 2 डेल्टा वाई की वैल्यू है 8. सो पी 1 की यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू आई थी, -8. -8 प्लस 8 अगेन वैल्यू आ जाती है 0. ठीक है, 0 वैल्यू आती है, यानी अगेन जब मेरी k इक्वल टू 2 आइट्रेशन नंबर होगा तो मेरा नेक्स्ट केस होगा ये सेकंड केस वाला, और मेरा पॉइंट प्लॉट होगा x में तो प्लस 1 करना ही है, y में भी प्लस 1 करना है. सो यहाँ पे 7 आ जाएगा क्योंकि प्रीवियस y था 6. इसी आइट्रेशन में हमें एक और जो कॉम्प्यूटेशन करनी है वो है p की नेक्स्ट वैल्यू. सो p3 क्या वैल्यू होगी, p3 होगी p2 प्लस 2 डेल y माइनस 2 डेल x, और ये वैल्यू है -8. तो p2 की वैल्यू थी 0, 0 माइनस 8 इज -8. सो k इक्वल टू 3 जो आइट्रेशन नंबर है उसमें मेरा p नेगेटिव आया है. नेगेटिव आने के केस में अगेन हम फर्स्ट केस में फॉल करेंगे. फर्स्ट केस में फॉल करना यानी मेरा जो पॉइंट प्लॉट होगा वो होगा 9, कॉमा यहाँ पे आएगा प्रीवियस वाई. सो 9, 7. ऑलराइट, इसके बाद हम नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे के इक्वल टू 4 के लिए. के इक्वल टू 4 यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई थी, सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा p4 क्या बनेगा, p4 इक्वल टू p3 प्लस 2 डेल्टा वाई. 2 डेल्टा वाई इज 8. P3 की वैल्यू थी -8, -8 प्लस 8 विल गिव यू 0. इसके अकॉर्डिंग मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट होगा वो होगा 9 प्लस 1, 10, और y में भी एक इंक्रीमेंट होगा. पुराना y था मेरा 7, y के प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 इज 8, तो ये पॉइंट प्लॉट हो जाएगा मेरा. ओके, सो अब 10, 8 पॉइंट प्लॉट करने के बाद आपका नेक्स्ट आपको P5 कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस था सेकंड केस, तो P5 आएगा P4 प्लस माइनस ऑफ 8. ठीक है, सो P5 आपका आएगा P4 माइनस ऑफ 8, और P4 आपकी क्या वैल्यू आ रही थी, P4 0 था. ठीक है, P4 0 था, 0 माइनस 8 विल गिव यू -8. ये है हमारी k इक्वल टू 5 आइट्रेशन नंबर. ठीक है, दिस इज 6th आइट्रेशन क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था.
अब पिछला पॉइंट जो हमारा प्लॉट हुआ था वो था 10.8, तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव आ रहा है P5 इस केस में, सो हमारा कौन सा केस बनता है, अगेन फर्स्ट केस बनता है. ओके, सो फर्स्ट केस में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट होगा वो होगा 10+1=11 और YK हमने पिछले पॉइंट में 8 प्लॉट किया है, सो YK में यही वैल्यू रिटेन रहेगी. तो आपका पॉइंट हो जाएगा 11.8 और इसको यूज करते हुए हम नेक्स्ट वैल्यू कंप्यूट करेंगे, यानी K=6 के लिए वैल्यू कंप्यूट करेंगे. P6=P5+2δy. 2δy की आपकी वैल्यू थी यहाँ पे 8, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने प्लस 8 कर दिया, सो P6=P5+8. P5 की आपकी वैल्यू आई थी -8, -8+8 मेक्स इट 0. ये आपकी 6th आइट्रेशन होगी, ठीक है. अब आपको मैंने बताया था कि कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन तक आपको चलना है, आपको डेल्टा एक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन चलना है, यानी 8 आइट्रेशन तक चलना है 0 से लेके 7 तक. और आपको ये भी आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं जब तक आपका 13.9 यानी जो एंड पॉइंट है वो अचीव नहीं हो जाता, तब तक आपको आगे प्रोसीड करना है. सो इस केस में हमारे पास 6th आइट्रेशन आई है, जिसमें सेकेंड केस में फॉल करता है हमारा कंडीशन. तो हम नेक्स्ट पॉइंट जो प्लॉट करेंगे वो होगा 12.9, ठीक है, 12.9, क्योंकि एक्स हमेशा इंक्रीमेंट होगा और वाई को हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है +1 से. सो नेक्स्ट वैल्यू जो पी की कंप्यूट होगी वो होगी P6+2δy-2δx और इसकी वैल्यू थी -8, ठीक है. यहाँ पे वैल्यू थी 2δy-2δx -8, सो P6 की वैल्यू थी 0, 0 माइनस 8 अगेन -8. ये आपकी बन जाती है K=7 आइट्रेशन नंबर. और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा पॉइंट प्लॉट होगा, 13.9, क्योंकि ये P की वैल्यू <0 है और प्रीवियस Y की वैल्यू रिटेन होगी. अब नेक्स्ट P यहाँ पे कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास लास्ट आइट्रेशन आ चुकी है और लास्ट पॉइंट हमने अचीव कर लिया है क्योंकि यही था हमारा एंड पॉइंट, ठीक है. सो बेसिकली हमने के 0 से लेके यानी 0th आइट्रेशन से लेके 7th आइट्रेशन तक कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स प्लॉट करे हैं, यानी कुछ लोअर पॉइंट प्लॉट करे हैं, कुछ अपर पॉइंट्स प्लॉट करे हैं. अपर और लोअर इन टर्म्स ऑफ कि वो कहाँ लाए कर रहे हैं, जब मैं उस डिस्टेंस कंप्यूट करूंगी एक्चुअल पॉइंट जो लाइन पे लाए करता है और जो पॉइंट मैं प्लॉट कर रही हूँ. ओके, सो फाइनली जो मेरे पॉइंट्स प्लॉट होंगे वो होंगे सबसे पहले 5.5, उसके बाद हमारा वैल्यू कंप्यूट होगी 6.6, 7.6, देन 7.6. हर टाइम 8 +1 तो होगा ही x, ठीक है. आपको y की वैल्यूज ध्यान रखनी है, 8.7, देन 9.7, 8.7, 9.7, 10.8, 11.8, 12.9 एंड फाइनली 13.9, ठीक है. ये सारे आपके पॉइंट्स प्लॉट होंगे. अगर आपको थ्योरी एग्जाम में ये भी एक्चुअली पॉइंट्स प्लॉट करने को आते हैं ग्रिड बना के, तो आप इक्वल साइज्ड ग्रिड बनाइए, एक्स और वाई एक्सिस को दिखाइए और ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करके शो कीजिए कि लाइन कैसी बनेगी. ऑलराइट, सो दिस वाज द एंटायर लेक्चर फॉर टुडे. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है. अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आपको वो कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और न्यूमेरिकल कराऊंगी इस पर्टिकुलर ब्रेसनहैम लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम के इस केस के लिए, जिसमें स्लोप ऑफ द लाइन लाई करता है 0 और 1 के बीच में, और फिर एडवांटेजेस ऑफ ब्रेसनहैम लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम भी समझाऊंगी ओवर DDA एल्गोरिथम. ओके, सो आई होप आज के लेक्चर में जितना भी हमने पढ़ा आपको सब क्लियर होगा. आप हम इस वीडियो का फीडबैक दे सकते हैं हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में. आप हमारे फेसबुक पेज
जो इजी इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है उसे भी लाइक कर सकते हैं, उसमें भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ अपलोड करें तो आपको डेफिनेटली एक नोटिफिकेशन मिले। और सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ हमें बताइए कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में अब नेक्स्ट आप कौन से एल्गोरिथम्स पढ़ना चाहेंगे ताकि आपकी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग हम अपने लेक्चर्स शेड्यूल कर पाएँ। So that's all for today. Thank you for watching. Do give your feedback. Stay tuned to Easy Engineering Classes for more tutorials on computer graphics as well as other computer science related subjects. Thank you.